नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम इनकम टैक्स के टॉपिक में हम समझेंगे कि स्लैब रेट क्या होते हैं और स्लैब रेट किस तरह डिजाइनेशन कर रखा है इनकम टैक्स ने, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तैयार कर रखा है वर्ड में। देखिए, स्लैब रेट क्या होता है, एक तरह से डिविजन होता है सैलरी के ऊपर किस तरह हम टैक्स रेट चार्ज करें। जो अभी लेटेस्ट जो बजट है 2021 का, जो फाइनेंशियल ईयर के लिए जो किया गया 2020 में, वो ये है आईटी सेक्टर में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, तीन सेक्शन में हमने क्या किया है, कोई भी इंडिविजुअल किसी पर्सन को हमने कैटेगराइज कर रखा है इनकम टैक्स ने। एक तो होता है इंडिविजुअल और HUF, जिनकी एज जो होती है 60 साल से नीचे होती है, यानी लेस देन 60 ईयर्स। और दूसरे सेक्टर में हम बात करें सीनियर सिटीजन, जिनकी एज होती है 60 से 80 साल की उम्र की। और तीसरे सेक्टर में होते हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, जिनकी एज जो होती है 80 साल से ऊपर की होती है। इन तीन सेक्टर में हमने डिवीजन कर रखा है किसी भी HUF और इंडिविजुअल को, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने उसकी सैलरी पे हमने टैक्सेशन स्लैब चार्ज कर रखा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द जो अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है इंडिविजुअल HUF के लिए, जिनकी एज 60 साल से नीचे है, उनकी स्लैब ये रहा इनकम के ऊपर कि अगर उनकी इनकम 0 से लेकर 5 लाख तक है तो उन पर नील टैक्स यानी कोई भी टैक्स उन्हें पेमेंट नहीं देना गवर्नमेंट को। अब बात आती है कि ये वाला, देखिए हाँ ये वाला था, और इसके ऊपर जैसे कि पहले इसमें लगता था कि 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% उसका जो टैक्स का जो रेट है 12,500 रुपये, ये स्लैब रेट नहीं, ये एग्जेम्पशन रेट है। यानी कि जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो टैक्स लगता था लोगों को, ये बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि ये स्लैब रेट है, ये एग्जेम्पशन है। जो 5% रेट लगता है सर, लेकिन उसमें जो रिबेट की जो वैल्यू है 12,500 तक की वैल्यू है। यानी 12,500 को आप जो वैल्यू होती थी 5% की, उसको रिबेट दे दिया गया उसमें, यानी कि आपको डिस्काउंट, यानी कि 5% आपको पेमेंट नहीं करनी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है। अगर आपकी 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में इनकम है तो 10% देना है, और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में है तो 20%, और 12.5 से 15 लाख के बीच में है तो 25%, और 15 लाख से अगर ऊपर है तो 30%, और 50 से ऊपर होगा तो सरचार्ज भी देना पड़ेगा। और इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था दोस्तों कि 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं देना पड़ता था, लेकिन 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख तक आपको क्या देना था, इसके ऊपर 5% आपको टैक्स देना था। यही इन्होंने क्या किया है, इसको जो 5% अगर निकाला जाए 2.5 लाख और 5.5 लाख के बीच का, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच का जो 2.5 लाख का जो गैप है, उसका जो 5% निकाला जाए 12,500 रुपये आता है। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया है गवर्नमेंट ने, और कुछ नहीं किया। बाकी अगर बात किया जाए, अगर 60 साल से ऊपर जो पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको अगर उनकी इनकम 3 लाख तक होती है, 0 से लेकर के 3 लाख तक, तो उन्हें 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना। अगर उनकी 3 लाख से 5 लाख के ऊपर टैक्स होता है, यानी 5 लाख तक की इनकम है, 3 से 5 लाख के बीच की अगर इनकम है तो 5%, अगर उनकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है तो 20%, और अगर उनकी इनकम जो है 10 लाख से ऊपर है तो 30% उन्हें टैक्स देना है। अब बात आते हैं सुपर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ऊपर होती है, उन लोगों को क्या देना है, 5 लाख तक का अगर उनकी कोई इनकम का सोर्स है तो उन्हें तो नो टैक्स देना है, और इनकम उनकी 5 लाख से 10 लाख के बीच की है तो 20% देना है, अगर उनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो उन्हें 30% देना है, और बाकी ने हेल्थ में 4% का आपको रिबेट भी दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों स्लैब रेट जो इनकम टैक्स ने अभी लेटेस्ट जारी किया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, 22 के लिए, और यही स्लैब रेट आगे नेक्स्ट ईयर भी फॉलो ऑन होगा। और तीन सेक्टर में हमने डिविजन कर रखा है इंडिविजुअल और HUF को, उसी अकॉर्डिंग हमने सेक्शन बांट रखे हैं कि इस कैटेगरीज को हमने इतना सैलरी पे इतना टैक्स पेमेंट करवाना है और इसको फॉलो ऑन करना है सभी को। और टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, आफ्टर यू कैन पे द RTR फाइल करना है, उसके बाद फिर पेमेंट करना है। आई होप आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, कोई भी अगर कोई दिक्कत है हैशटैग कीजिए, कमेंट कीजिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स।